प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ मुहिम को एमपी के पंचायत चुनावों में जमकर पलीता लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने के नेताओं ने अपने भाई बेटों बहुओं को जिला और जनपदों के अध्यक्ष चुनाव में कुर्सी दिलवा ही दी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मंत्री का बेटा हो, भाई हो या विधायक की पत्नी, इस बार के जिला पंचायत चुनाव में प्रदेश में जमकर परिवारवाद चला। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नसीहतों के बाद भी प्रदेश के नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों में जितवा ही दिया। दरअसल राजस्व मंत्री गोविंद सिंह के भाई बने सागर जिला पंचायत अध्यक्ष, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बेटे बने बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष, वन मंत्री विजय शाह के बेटे बने खंडवा जिला पंचायत उपाध्यक्ष, उमा भारती की बहू बनी टीकमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष, मंत्री भूपेंद्र सिंह की बहू बनी जनपद अध्यक्ष, विधायक राकेश गिरी की बहन बनी टीकमगढ़ जनपद अध्यक्ष, विधायक अनिल जैन की पत्नी बनी निवाड़ी जनपद अध्यक्ष, विधायक नारायण त्रिपाठी का बेटा बना जनपद अध्यक्ष। किसी बेटे की वो नहीं मिली है कुर्सी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अकारण को इसे तूल नहीं देना चाहिए, एक भी मंत्री के बेटे नहीं बना है। परिवारवाद सिर्फ बीजेपी में ही नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने परिजनों को चुनाव में खड़ा किया, हालांकि इनमें से अधिकांश लोग हार गए। दरअसल कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह की बहू बनी जनपद अध्यक्ष, पूर्व मंत्री अशोक सिंह के बेटे बने बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सांसद तिलक राज सिंह की बेटी बनी सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष। परिवारवाद चला है, जबकि बीजेपी हमेशा दिल्ली से इनके नेता कहते हैं कि जो भी नेता है इनके परिवार वालों को न तो कोई टिकट दी जाएगी न कोई चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जिला पंचायत के चुनाव में वो पूरे नियम जो इनके आरएसएस के और बीजेपी के नड्डा जी के और मोदी जी के सब तोड़ दिए इनने। परिवारवाद के मामले में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों का एक जैसा हाल है। यही कारण है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार ये प्रयास कर रहा है नेताओं के परिजनों के स्थानों पर कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए, जिसमें नेता बार बार अड़ंगा पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने की काफी कोशिशें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी परिवार के लोगों के टिकट काटने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ली थी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवारवाद को दूर करने की बात कह के गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में जमकर परिवारवाद चला। एक मंत्री ने अपने बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया तो एक मंत्री ने उपाध्यक्ष बनवाया, वही एक मंत्री ने अपने भाई को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया। साफ है कि मध्य प्रदेश के राजनेता परिवारवाद से बाज नहीं आना चाहते हैं और लगता है इसके लिए मोदी को मध्य प्रदेश में कोई राजनीतिक वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। पुलिस सर्वे के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।